नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अली। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सितारा थिएटर गजुमता में और मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है और फिल्में लिखी हैं, ड्रामों में काम किया है। आज हम इनसे जानते हैं कि ये जो प्ले हो रहा है दिल लेगी चोरनी, इसके हवाले से इनका क्या कहना है, इनका क्या इजहार ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ड्रामा चल रहा है दिल लगी चोरनी, ये किस मौजू पर है, किस टॉपिक पर आपने तहरीर किया, लिखा है? इसमें ना एक बाप है, उसकी बेटी है नादिया, वो ना अपने खामद से नाराज़ होकर बैठे और बेसिकली ना वो एक लड़के इमरान से प्यार करती हुई मिल गया, तो उसके इंतज़ार में ना वो इधर बैठी है। तो जब उसका दोस्त इमरान आता है ना पाकिस्तान, तो वो उसे कहता है कि आप मुझसे शादी करो। वो कहती है मेरी शादी तो होगी। फिर वो कहता है आपने वेफाई की है, मेरे से धोखा दिया है, तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो फिर वो कहती मेरे डैडी ने ये ना ज़बरदस्ती मेरी शादी की है, मैं प्यार आपसे करती हूँ। जब वो ये कहती उसका असल खामद आ जाता, वो कहता है ये कौन है? वो कहती है ये मेरा दोस्त है और ये मेरा छोड़ा, वो उसे मारता है। तो वेंड अप इसका क्लाइमेक्स ये है कि इसमें ना वो अपने दोस्त से कहती है कि मैंने ये सोचा है कि अपने खामद से ना तलाक लेके तुमसे शादी करूँ। तो उसका जो दोस्त है ना वो कहता है कि तू पाकिस्तानी औरत हो, पाकिस्तानी औरत मर तो सकती है लेकिन खामद के साथ बेवफाई नहीं करती, बेहतर ये है कि तुम अपने खामद का सुलह कर लो और मैं तुम्हारी सहेली टीना से प्यार करता हूँ। उसमें ये है कि वो उसको तलाक की धमकी देता है, तो वेंडा पे तो उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी को तलाक ना दो। वो ये कहता है कि आप ऐसा करो कि मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तलाक नहीं दूँगा। और उससे माफ़ी मांगती है, वो सुलह हो जाती है। ये कोशिश की है कि आजकल ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये तकरीबन हर दूसरे घर की कहानी है। ये कोशिश हमने की है कि एक फैमिली प्ले है, ये फैमिली प्ले करने के हमने की। अच्छा सर, मुझे ये बताएं माशाल्लाह आपकी जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, तो पब्लिक की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? ऑडियंस लोग आ रहे हैं लगातार कि बस नॉर्मल है जिस तरह आम दिनों में होता है? पब्लिक ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया। रूटीन से हट के ये ड्रामा है, तो इसका हमने लिंक वाइज चलाया ड्रामा। अगर आप हॉल में बैठ के ड्रामा देखो समझ आएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो तीन दिन तो बहुत अच्छी पब्लिक आई थी, बाकी वर्किंग शो भी इतने बुरे नहीं गए, रूटीन से हट के अच्छे शो में। अच्छा सर, ये जो आपका कल प्ले होना है, ठीक है, नया ड्रामा आपने शुरू करना है, इसमें कौन कौन से एक्टर काम कर रहे हैं? यही कास्ट है सेम, और एक आर्टिस्ट मधु और अपना मधु काम कर रही है, इजाज़ वेली साहब इसमें काम करेंगे। ये थोड़ी सी हमने चेंजिंग डाली है, बाकी सेम टू सेम टीम यही है। अच्छा सर, कल के प्ले के हवाले से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कल भी अच्छा ड्रामा है, उसमें हमने ये दिखाया कि जब बाप अपनी अपने बेटों की शादी करता है, उसकी जब नूहें घर में आती हैं उसकी इज्जत नहीं करती, जो आजकल घरों में हो रहा है कि जो माँ बाप हैं वो शादी करते हैं अपनी औलाद की, तो उनकी जो दुल्हनें आती हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं करती। इसमें हमने ये दिखाया कि अपना औलाद को चाहिए कि वो बीवियों से इज्जत करवाए माँ बाप। जी नाज़रीन, ये थे वसीम भट्ट साहब जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।